हम लोग करने वाले हैं एरोडो का क्वेश्चन नंबर 3.144। क्वेश्चन क्या है? अ पैरेलल प्लेट कैपस्टर इज लोकेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट वन ऑफ द प्लेट इज सबमर्ज्ड इनटू लिक्विड व्हाइल द अदर इज ओवर इट्स सरफेस। द परमिटिविटी ऑफ द लिक्विड इज एप्सिलॉन। ये परमिटिविटी आपको गिवन है। इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू रो। डेंसिटी गिवन है लिक्विड की। व्हाट हाइट विल द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द कैपस्टर राइज After its plate gets a charge density, मतलब surface charge density sigma। इस question को हम तीन different तरीके से करने वाले हैं। कितने तरीके से करने वाले हैं? तीन different तरीके से करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं वो अब आप ध्यान से देखो। तो जैसे हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे उसी हिसाब से यहां नेगेटिव चार्ज आ जाए और ये लिक्विड का लेवल जो है राइज हो जाएगा। ऐसे राइज हो जाएगा। बाउंड्री पे नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, बाकी ये फ्लैट यूनिफॉर्म रहेगा। तो हमें निकालना है ये जो लिक्विड का लेवल राइज हुआ है इस लिक्विड को जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये एच हाइट। एच हाइट कितना है ये बताना है। प्रगति एच हाइट राइज क्यों किया, ये मेन क्वेश्चन है। इसका जवाब यहां पे छुपा है। कहां पे? कि जैसे इस पे चार्ज दिया तो यहां पे इंड्यूस चार्ज आ गया। यहां पे इंड्यूस चार्ज आ गया ऐसे। और हमको पता है कि ये फ्लैट सरफेस है तो यहाँ जो इंड्यूस चार्ज आएगा सिग्मा डैश आएगा उसकी जो वैल्यू होगी सबको पता है ये आएगी। अपोजिट पोलरिटी इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया। ऐसा होगा अगर मैं क्या दूंगा यहाँ पे सिग्मा दूंगा तो मतलब एक बात ध्यान रखना जिस हिसाब से यहाँ चार्ज होगा उसी हिसाब से यहाँ इंड्यूस चार्ज होगा। ठीक है तो ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज को खींचेगा ऊपर तरफ पुलिंग फोर्स लगाएगा एफ फोर्स लगाएगा। ये जो एफ फोर्स है ना ये एफ फोर्स जो है इस वेट से किस वेट के जो रेड वाला लिक्विड मैंने शेड किया उसके वेट से बैलेंस हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अब ये फोर्स निकालना कलाकारी है। क्यों? इस फोर्स को हम सीधा क्यू ई नहीं कह देंगे। ये जो फोर्स है इस फोर्स को सीधा क्यू इंटू ई नहीं कह देंगे। रीजन क्या है? ये चार्ज है ना चार्ज इस पे कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है उस पर डिपेंड करता है। और ये ई क्या है? ई खुद इस चार्ज पे डिपेंड करता है जो यहाँ पे चार्ज आया है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी चार्ज पे डिपेंड करता है और ये इंड्यूस चार्ज जिस पे हम फोर्स निकाल रहे हैं वो भी इसी पे डिपेंड करता है। तो मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, है कि नहीं? मतलब ये चार्ज है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करके निकालें तो ऑन एन एवरेज आएगा। ऑन एवरेज आएगा तो जो फोर्स लिखेंगे तो वो फोर्स क्यू ई नहीं लिखेंगे, देखा जाए क्यू ई बाई टू टाइप का लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? कैप्सूल के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और किस पे फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग? निकाल रहे हैं इंड्यूस चार्ज पे। तो इंड्यूस चार्ज कितना जाएगा यहाँ पर? इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यू आएगी इंड्यूस चार्ज की वो आएगी सिग्मा एप्सिलॉन माइनस वन डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ये आएगा इंड्यूस चार्ज। ये हो जाएगा फोर्स। ये फोर्स किससे बैलेंस होगा? वेट से। वेट कितना है यहाँ पे? मास निकालो, डेंसिटी एरिया जितना हाइट रहा ये इतना मास चढ़ जाएगा इनटू जी। ये तो अब आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी। तो एच की वैल्यू क्या आएगी वो हम निकाल सकते हैं। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर। ये डेंसिटी था, यहाँ मैंने एक एरिया लगाना भूल गया था मैं, ये एरिया से एरिया कैंसिल जाएगा। सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन माइनस वन, ठीक है, डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, ठीक है, रो जी। इतना हाइट ये लिक्विड चढ़ेगा, इतना हाइट ये लिक्विड चढ़ेगा। ये हमारा एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। क्लियर है? अब हम दूसरे तरीके की बात, मेथड है एनर्जी मेथड। क्या एनर्जी मेथड में? जो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी और जो इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी इसकी इस सिस्टम की वो कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी नहीं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में और ग्रेविटेशनल एनर्जी में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में जो पूरे इस पूरे अरेंजमेंट का कैप्सूल के पूरे अरेंजमेंट की जो एनर्जी है उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? क्यू स्क्वायर, क्यू सिस्टम का चार्ज कॉन्स्टेंट रहेगा, डिवाइड बाई टू सी, ये एनर्जी हो जाएगी।
प्लस ग्रेविटेशन एनर्जी में, जितना ये रेड वाला लिक्विड फर्दर चेंज हुआ है वो कितना लिखा जाएगा, डेंसिटी एरिया हाइट, ये हो गया, इनटू हाइट बाय टू क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर रहेगा, ठीक है, और जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डेंस। अब रही बात कैप्सुलर का कैप्सटेंस कितना आएगा, इस कैप्सुलर का कैप्सटेंस आएगा सी, सी हो जाएगा कितना, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई, ये मान लेते हैं पूरा पहले से वाई था, ठीक है, एच प्लस वाई डिवाइड बाई एप्सिलॉन माइनस प्लस का डी माइनस एच प्लस वाई, यही तो होगा, थोड़ा इसको अरेंज कर लो, मैं डायरेक्ट चाहते डायरेक्ट लिख देता, आप लोगों को पता है कैप्शन कैसे आता है, ठीक है, जब बैक टू बैक भरा जाता है लेयर बाय लेयर तो ऐसे कैप्शन लिखते हैं, ठीक है, ये लिखा जाता है ऐसा, क्या आता है यहाँ पे एच प्लस वाई एप्सिलॉन माइनस वन माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, प्लस का डी, ये आता है कैप्सटेंस, क्लियर। अब मैं यहां पे लिखूं तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई क्या लिखेंगे पूरा ये बवाल, कौन सा ये, तो क्या लिखा जाएगा टू लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा, एप्सिलॉन लिखा जाएगा, ऊपर क्या जाएगा, ऊपर ये पूरा इंतजाम जाएगा, कौन एच प्लस वाई, और कौन जाएगा वन माइनस एप्सिलॉन, और क्या आएगा और डी, ये इतना रहेगा, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। फिर यहां पे क्या रहेगा, यहां पे रहेगा रो ए जी एच स्क्वायर बाई टू, ये पूरा सिस्टम है, इसकी एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी, तो एच के चेंज होने से चेंज हो रहा है, एच के साथ इसको डिफरेंशिएट करो, चलो आप डिफरेंशिएट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर रहेगा टू रहेगा एप्सिलॉन नॉट रहेगा एप्सिलॉन रहेगा नीचे, एक ए से एक कैंसिल कर देंगे तो ए रहेगा यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करो एच के साथ, तो वाई तो कांस्टेंट है उड़ जाएगा जीरो हो जाएगा, डी कांस्टेंट है खत्म हो जाएगा, ठीक है, वाई मतलब जितना पहले से भरा रहा वो तो फिक्स हो रहेगा, तो चेंज होगा नहीं, एच का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा तो वन माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, ये इतना आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस का तो ये क्या जाएगा टू रो ए जी एच एच स्क्वायर डिफरेंशिएशन तो एच टू एच आएगा ना डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू जीरो। जो हाइट की जो वैल्यू आएगी एच की वैल्यू, एच की वैल्यू कितनी आएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी ये इस टू से ये टू हमने उड़ाई दिया, क्या आएगा सिग्मा स्क्वायर आएगा वन माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन माइनस वन हो जाएगा डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, ठीक है, और क्या आएगा यहां पर जी, तो वही रिजल्ट आ गया जो इससे पहले आया था, वही रिजल्ट एग्जैक्टली आ गया जो इससे पहले हमारा आया था, कोई खास फर्क नहीं, कोई खास मतलब कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, वो भी मैं आपको सिखाता हूं, इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करने का तरीका है प्रेशर मेथड। प्रेशर मेथड क्या है, अगर मैं यहां का प्रेशर लिखूं 1 पॉइंट का और इस 3 पॉइंट का, तुम्हें तो पता है ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट जो जस्ट प्लेट के बाहर है और बोला जाए कि इस लाइन पर है, यहाँ का प्रेशर लिख लो टू पर, तो आपको पता है वन वाला एयर में है, ये टू वाला पॉइंट भी एयर में है, तो दोनों का प्रेशर हो जाएगा सेम, क्या हुआ, वैसे तो होना चाहिए पी नॉट, लेकिन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी लगेगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन, थ्री वाला जो यहाँ अंदर डीप इन साइड एच डेप्थ बिलो है उस पॉइंट का प्रेशर लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा पी नॉट प्लस सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ये बदल गया प्लस लिक्विड रो जी एच। अब ये समझ में आएगा कि ये वाला प्रेशर बराबर है, ठीक है,
और ये यहाँ पर टू और थ्री एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा है, टू और थ्री भी बराबर होंगे, मतलब कहने का है ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर बराबर होना चाहिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी नॉट सिग्मा स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू पी नॉट सिग्मा स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन रो जी एच। इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो ये सॉल्व करेंगे क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय टू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे वन बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू रो जी हो जाएगा। सो एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन रो जी एप्सिलॉन माइनस वन, ये आ जाएगा हमारा हाइट। ठीक है, ये इतनी हाइट आ जाएगी जो इससे पहले वाले मेथड में आया था वही यहां भी आ गया, कोई खास फर्क नहीं है। तीनों में से जो आपको मेथड सही लगे कर लो, और ऐसे ही रोडो की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक बात और बता देते हैं आपको, अगर आप किसी क्वेश्चन में दिक्कत है रोडो पे तो टेंशन बिल्कुल मत लो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कहां पे सारे लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में।